मेरा देवा आएगा। अपनी माया दीदी के पुकारने पर वो इनकार नहीं कर सकता। मैं पिछले एक साल से उसका इंतजार कर रही हूँ। अब हम चलेंगे माया। नहीं, वो आएगा। समारोह में आप सबका स्वागत है। सिर्फ इस स्कूल का ही नहीं पूरे देश का फख्र बन गया है ये बच्चा देवदास। एक कंप्यूटर से भी तेज रफ्तार से चलने वाली देवदास की असीम चमत्कारिक बुद्धि का उदाहरण आज यहां हम देखेंगे। हाउ मच? 43,35,232। करेक्ट। नेक्स्ट वन। एट करोड़ 21,90,177। एग्जैक्टली। इस होनहार बच्चे को मुबारकबाद देने के साथ साथ क्लासरूम के और खेल के मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और 9 बच्चों को भी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। हमारे स्कूल का नाम रोशन करने वाले ये 10 बच्चे एक ही घर से आए हैं, ये जानकर आपको ताज्जुब होगा, लेकिन यही हकीकत है। हमारी शान बढ़ाने वाले इन 10 हीरो को हमारे स्कूल को तोहफे में देने वाली इनकी गार्जियन को अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। माय डियर फ्रेंड, बहुत खुशी और फख्र से भरे मन के साथ मैं आज इस मंच पर खड़ी हूं। सिर्फ समाज की बड़ी बड़ी हस्तियों के बच्चे पढ़ने वाले इस स्कूल में मेरे बच्चे आज अव्वल नंबर पर पहुंचे हैं। कोई 3 साल पहले एक सुप्रभात में इस महानगरी की एक गली से मुझे मिला था देवदास नाम का ये बच्चा। इससे गली गली में भीख मंगवाने के लिए इसके पूरे बदन को जालिमों ने जला दिया था। दर्द और भूख के मारे तड़पने वाले इस बच्चे को उस दिन समाज के दुश्मनों से बचाए बिना उस गली में ही छोड़कर मैं चली जाती तो आज इस स्कूल का नाम रोशन करने के लिए एक देवदास नहीं होता। इन सभी बच्चों को अलग अलग मौके पर इस शहर की गलियों से भगवान ने मुझे तोहफे के तौर पर दिया है। अनाथ बच्चों को हमेशा ऑर्फनेज ही नसीब होता है, लेकिन दूसरे बच्चों की तरह मेरे बच्चों को भी इस तरह के अच्छे स्कूल में पढ़ाने की ख्वाहिश थी मेरे मन में। इसमें मदद करने वाले
इस स्कूल के मैनेजमेंट को मैं अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ। चना 2 किलो, मैदा 3 किलो, मैदा 3 किलो, 3 किलो मैदा, कुल मिला के 15 आइटम, कुल मिला के हो गया आपका 932 रुपया। मार ये रखो, पहले मार निकालो, वो खाते में लिख लीजिए ना। खाता बंद कर दिया, स्नेहालय वाले का खाता लिख लिख के 400 पेज की कॉपी खत्म हो गई। उसमें सिर्फ उधारी उधार है, जमा बिल्कुल नहीं। पगार मिलते ही माया पैसा लाके देती है ना गोपाल भैया। मुंह बंद कर, तो अपना मुंह बंद कर। हर महीने 5-6 हजार का उधार खा के सिर्फ 200-250 रुपए लाके देती है। ये दुकान मैं अपने गुजारे के लिए चलाता हूँ, ये कोई शरणार्थियों का कैंप नहीं है। आज एक दिन की जरूरत के लिए आटा और तेल दे दीजिए गोपाल भैया। अनाज बच्चे अगर 2 दिन भूखे रह जाए तो कोई मर नहीं जाएंगे। मुझे यार भी बहुत काम है, चलो लंबू। पता नहीं कहाँ से सुबह सुबह पता है माया दीदी, आज लंच टाइम में सबके टिफिन बॉक्स से जबरदस्ती खा लिया इस देवा ने। तो हमेशा भूख लगती है, पढ़ाई के मामले में ही नहीं खाने पीने के मामले में भी ये नंबर 1 है। अनी कौन है? रानी बिटिया, बात मत करो। अरे क्या हुआ रानी बिटिया, आज तो ये बहुत गुस्से में है। मैं गुस्से में हूँ। श्यामू भैया कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती। रानी बिटिया ने दूध पिया कि नहीं? नहीं तो पियोगे कैसे? दिया नहीं, क्यों नहीं दिया? मुझसे क्या पूछ रही हो, उससे जाके पूछो। अच्छा तो ये बात है, तुम दोनों ने झगड़ा किया? हाँ झगड़ा किया। मैं उसे ठीक करती हूँ, रानी बिटिया को दूध नहीं दिया इसलिए उससे 100 बार उठक बैठक कराई। हे भगवान, आज मैं क्या पकाऊंगा? श्यामलाल, लो मदर टेरेसा अपने बच्चों के साथ आ गई। तुमने रानी को दूध नहीं दिया? नहीं। क्यों नहीं दिया? नहीं था इसलिए नहीं दिया। जाके दूध क्यों नहीं लिया तुमने? लेने को मैं तैयार था, लेकिन वो दे तब ना। सिर्फ दूध ही नहीं, नमक से लेके आटा तक कोई भी चीज भगवान की दया से आज इस घर में नहीं है। इतना बड़ा घर किराए पर लेके अच्छे अच्छे कपड़े पहना के 10-15 बच्चे माँ जब बाहर घूमते हैं तब पेट में चूहे दौड़ेंगे, ये भी जानना चाहिए ताकि अपना रास्ता न खो दें। वो कौन सा रास्ता है? जहन्नुम का रास्ता। जब तू यहाँ आई थी तब इतनी लंबी जबान नहीं थी तेरी, अब तो अमीर दादों के बच्चों की तरह पेश आते हो तुम लोग। सच्चाई की मौत हुई, बुराई की जीत हुई, सच की राह पे चलने वाले ठोकर खा के गिर गए। खुद लिख के खुद धुन बना के खुद गा रहा हूँ ये नया गाना, कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। यीशु ये गाना सुनेगा तो सूली से निकलकर भाग जाएगा। इतनी खिंचाई करने की जरूरत नहीं, मैंने ही तुझे संगीत सिखाया है, मेरे कई गीत तूने गाए भी हैं। अच्छा, मेरी टांग खींचने के लिए सुबह सुबह यहाँ पधारी है? मुझे आपसे एक जरूरी बात कहनी है। वैसे मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। अच्छा बच्चो, तुम लोग वो मुखड़ा सुर के साथ गा के प्रैक्टिस करो, ठीक है? तब तक मैं इसकी खबर लेके आ जाता हूँ। अनाथालय के सामने जो क्रॉस है उसके नीचे पड़ी 6 महीने की एक मासूम बच्ची को उठा के कोई 23 साल हो गए, अब तो तू बड़ी जर्नलिस्ट बन गई, लेकिन अनाथ होने का दर्द और प्यार की कीमत अच्छी तरह जानती है तू। पढ़ लिख के जब नौकरी मिली तो अलग से रहने गई, तब मैंने कोई एतराज नहीं किया, लेकिन अब अपनी ताकत से ज्यादा बोझ अपने सर पे उठाने की कोई जरूरत नहीं। अनाथ बच्चों को पालना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन कॉन्वेंट में उनकी पढ़ाई वगैरह। तब अगर आप भी इसी तरह सोचते तो क्या आज मुझ जैसी कोई माया होती? ये सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन आगे उनका खर्चा कैसे उठाएगी? जिस ईश्वर ने जन्म दिया वही पालन पोषण करेगा, इस तरह के भाषण आप ही झाड़ते हैं ना, उसी तरह हमारा भी गुजारा हो जाएगा। फिलहाल आज के गुजारे के लिए कोई 2000 रुपए दे सकते हैं मुझे? मेरे पास उतने पैसे नहीं है बेटी, आजकल चर्च में लोग कैंडल ज्यादा जलाते हैं, डोनेशन कम देते हैं। बाहर अनाथालय तो बहुत बड़ा बिजनेस बन गया, लेकिन उनकी तरह शोबाजी धोखाधड़ी करना मेरे बस की बात नहीं। फिलहाल 100-200 रुपए चाहिए तो देता हूँ। नहीं फादर, उसे घुमा के अपने चोगे की जेब में रख दो। अब एक ही रास्ता है मेरे सामने, ऑफिस जाके उस मजनूमिया को फुसलाना पड़ेगा। झटका देना होगा, लोगों को झटका देना होगा। झटका देने वाली खबर नहीं मिली तो जल्दी ये टेलीविजन चैनल बंद हो जाएगा। क्या फैसला है तुम्हारा, लोगों को झटका दोगे या इस न्यूज चैनल? सटा गया है, हमें झटका क्यों देते हो भाई?
तो क्या उखाड़ने के लिए सुबह सुबह कैमरा लेके निकलते हो? कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें खींचते? तहलका वालों की तरह हमें हिडन कैमरा लेके जाना होगा। सब लोग कैसे झटका खाए थे देखा था ना। मिनिस्टर कार से जा रहा है, हम भी जा रहे हैं। मिनिस्टर कार से उतर रहा है, हम भी उतर रहे हैं। टॉयलेट छोड़ के बाकी सब जगह मिनिस्टर को हमने कैमरों से घेर लिया। सुबह की खबर 100 करोड़ का घोटाला, शाम की खबर 500 करोड़, रात तक वो 1000 करोड़ बन गए। दुनिया को झटका दे दिया ना। दर्शकों को जबरदस्त झटका देना सिर्फ मुझे ही आता है सर। न्यूज को घुमा फिरा के सनसनीखेज बनाने में जितना मैं माहिर हूँ, कौन है इस चैनल में? मेकअप करके न्यूज रूम में बैठकर न्यूज पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बाहर निकलकर गर्मा गर्म खबर की खोज करना। खोजना तो आपका काम है सर। सब लोग बाहर जाओ, झटका देने वाली खबर के साथ ही लौटना। अरे ये कंघी कहाँ गई? तुम अभी नहीं गए? आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मिस माया। सर झटका देने वाली कौन सी खबर लाई हो? सर वो शुगर बढ़ने की वजह से एक चैनल के एडिटर पर लोग सुधार गया है, इसे एक न्यूज दे देना, झटका मिलेगा। मिस माया आने में देर क्यों? सर वो रास्ते में। आई डोंट वॉन्ट एनी एक्सप्लेनेशन। सेंसेशनल न्यूज कुछ लाई हो? सर मैं एक पर्सनल मैटर कहने के लिए आई हूँ। क्या है वो पर्सनल मैटर? सेंसेशनल मैटर होगा ना सर। मुझे 2000 रुपए चाहिए। झटका देने वाली खबर लाने के बजाय मुझे झटका देने के लिए यहाँ पर आई हो? बहुत जरूरी है सर, मेरे इस महीने की सैलरी में से एडवांस समझ कर दीजिए। ये एडवांस लेने वाली बात तो एक परमानेंट सिलसिला बन गया है। इस महीने की सैलरी कैसे दूंगा सोच के टेंशन हो रहा है और तुम एडवांस लेने के लिए आई हो? ठीक है, ऐसा तो नहीं कि यह सिर्फ आप ही का चैनल है। परखा दत्त मुझे 6 महीने से एनडीटीवी में बुला रही है, इंटरव्यू के लिए मेरी जान खा रही है। मैं वहीं जा रही हूं। क्या हुआ सर? तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं दूंगा, ये रवि शर्मा देगा। थैंक यू सर। हम निकले घूमने फिरने बनाना झाड़ू लगाना पोछा करना सबकी आज छुट्टी है यारो। आज तो अपन मौज करेंगे मौज करेंगे। हम निकले घूमने फिरने तथा थैयो।
अरे लगने वाली बात नहीं, मैंने अपने कानों से सुनी किसी के हंसने की और पायल की झंकार की आवाज। मैं दो दिन घर पर नहीं रहा तो लगता है भूत भी अपनी मनमानी करने लगा। हम पिकनिक पर गए, ये जानकर ये भूत आया होगा। अरे नहीं, ये तो यहीं पर सेटल हुआ भूत है। सुना है ब्रिटिश विला में एक फिरंगी साहब और मैम ने फांसी लगा कर खुदकुशी की थी। ये तो मैंने भी सुना है, इसलिए हमने ये घर छोड़कर पास वाला घर किराए पर लिया। जो भी हो हम सब है ना, क्यों ना जाके देखिए। यहाँ एक भूत की बू है। हाँ, लाश की बू है यहाँ पे। तुम दोनों मिलके हमें मत डराओ। अब तो यकीन हो गया ना, मेरे को भूत लेटा है। ये तो कोई एनाटॉमी लैब जैसा दिख रहा है ना। हे भगवान, रक्षा करना। क्या हुआ, यहाँ कैसी आवाज आई? मेरे को ड्राई करो बोलता है। छोड़ो, कौन हो तुम? तुम लोग कौन हो? हम लोग कौन है, तुम नहीं जानते क्या? ओ, I know, देखते ही समझ गया। पास वाले अनाथ आश्रम के गुंडे हो ना। अनाथ आश्रम? कौन सा अनाथ आश्रम? बकवास बंद करो, नीचे देख मैं ड्राई करो। अच्छा तू, हम लोग अनाथ नहीं है, फिर कभी ऐसे मत बोलना। अच्छा रहने दो, रहने दो, क्यों बिगड़ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? आइंस्टीन। आइंस्टीन नाम है तुम्हारा? नहीं, हेलो, अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी साइंटिस्ट हूँ मैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को मरे हुए 60-70 साल हो गए ना? वो मरा हुआ आइंस्टीन, मैं बिना मरा हुआ आइंस्टीन। आइंस्टीन दामोदर, नोबेल पुरस्कार देने के लिए मुझे दो बार बुलाया गया लेकिन मैं नहीं गया। आप कौन से साइंटिस्ट हैं? मैं जानवरों को साइंटिस्ट हूँ। वैसे बंदरों से इंसान को बनाया गया है ना, अब इंसान से बंदर कैसे बनाया जाए, मैं इस एक्सपेरिमेंट में व्यस्त हूँ। आप आखिर इंसान को बंदर क्यों बना रहे हैं? ताकि तुझे एक साथी मिल जाए। अरे बाप रे, किसने मुझे ये सब पहनाया? क्या बात है, क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। वो देखो, ओरिजिनल आइंस्टीन आ गए हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। दामोदर, हु आर दिस पीपल? अपने पड़ोसी है सर। गुड। हाय, हाउ आर यू? जी जनाब, का हाथ। वाओ, हेलो। हेलो अंकल। हाय बड़ी, हाथ मिलाओ ना। समथिंग रॉन्ग सर? आर यू मिस्टर? मिस्टर साइंटिस्ट शेखर सक्सेना? या एब्सोल्युटली राइट। ओह माय गॉड, श्यामलाल ये कौन है पता है? ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इन्हें नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। थैंक यू। आई एम अ न्यूज़ रिपोर्टर ऑफ न्यू इंडिया टेलीविजन। माय नेम इज माया। गुड, अच्छा नाम है। आप हिंदी बोल सकते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूँ, बॉर्न इन लंदन लेकिन अब रह रहा हूँ न्यूयॉर्क में। फिर भी मुझे हिंदी आती है, वो इसलिए कि मेरी वाइफ हिंदुस्तानी थी। इंदुमती है ना सर? अ वेल नोन क्लासिकल डांसर। या, बट नाउ शी इज नो मोर। जानती हूँ सर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जब हमला हुआ उसमें मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ गई। वो बेटी? वो पढ़ रही है लॉस एंजलिस में। सर आपसे एक बात पूछूं, 3 साल पहले कैलिफोर्निया में हुई एक इंटरनेशनल साइंस कॉन्फ्रेंस में आपने एक रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट किया। ह्यूमन बॉडी में जब लाइट रिफ्लेक्ट ना हो उस अवस्था में वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और इनविजिबल हो सकती है। पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड ने तब उस रिपोर्ट का मजाक उड़ाया था। वो एक्सपेरिमेंट आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? अच्छा, उसी सिलसिले में इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ। आपने इस घर के अंदर एक लैब सेट की हुई है?
और टेम्पररी लाभ। सिर्फ हिंदुस्तान के जंगलों में पाई जाने वाली दो तीन खास जड़ी बूटियों की तलाश है मुझे। दुनिया को चौंका दे ऐसी कोई खबर मुझे मिलने का चांस है सर? होपफुली विल गेट इट सो। कॉमिक्स में आने वाला मैजिक द मैजिशियन जैसा है ना? हाँ सही है। सोचते ही कोर्ट में वो बिल्कुल मांतरे देख रहे थे। वो अंकल ने मुझे ऊपर उठा लिया था। देवा तुम क्या सोच रहे हो? उस अंकल के पास जाकर पढ़ने से हम भी खोज कर सकते है ना? हाँ, वो तो बहुत सारी बातों को खोज के पता लगाते हैं। बेटा देवा तू भी उनसे कुछ सीख कर मेरे माँ बाप को खोज निकाल। लिटाने को कहा है सामने? चुपचाप लड़ रहे हैं। आज मैं तुमको अपने बर्थडे सूट में खड़ा कर दूंगा। अबे बर्थडे एड्रेस में अपने बाप को खड़ा करना? इस 30-40 की उम्र में भी नवजात शिशु की तरह कोई बेशर्म ही लड़ सकता है। दामोदर सर रेडी? मैं टेबल पे लेटा हूँ सर। नमक मिला हुआ कुछ खाया नहीं ना? नहीं सर, नमक नहीं खा सकता, मटन नहीं खा सकता, मछली नहीं खा सकता। मैंने क्या वैष्णो देवी जाने का व्रत रखा है? नमक खाओगे तो नेगेटिव रिएक्शन हो जाएगा। ये हुई ना बात। ये क्या मुझे बारिश मार के शोरूम में रखने वाला है? इधर उधर ब्रश मार के मेरे ऊपर वो वाला एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। आपके एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद मैं अपने शरीर से कुछ कर पाऊंगा कि नहीं डॉक्टर? वैसे भी तुम्हारा ये शरीर किस काम का? अच्छा सवाल किया आपने। मैं अपने शरीर से क्या क्या करता हूँ आपको क्या पता? आपके पास आने से पहले मैं भी आपकी तरह गोरा चीता और हैंडसम था। तब यहाँ की लड़कियाँ मुझे रोमियो रोमियो कहके बुलाती थी। तरह तरह की दवा और रोशनी मुझ पे चढ़ाने से अब वो लोग मुझे ओ लोमड़ी कहके बुलाते हैं। मेरा नसीब तो देखे। नंगा लेटा कर कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? फिर मुझे वही लगा रहा, मुझे गुदगुदी हो रही है। चुपचाप लेट जा। यहाँ लेटने के बजाय किसी मंदिर या मस्जिद के सामने लेटता तो 4 पैसे कमा लेता। अरे मुझे कब तक लेटना पड़ेगा साहब? एक्सपेरिमेंट के खत्म होने तब तक तो मेरा किस्सा भी खत्म हो जाएगा। मैं हूँ देवा। हे भगवान, मुझे इस रूप में देखने के लिए देवता भी आ गए? अबे जा बे शैतान, दूध का दांत भी नहीं टूटा और छुप छुप के देख रहा मुझे। कूल डाउन दामोदर, छोटा बच्चा है। आप मेरी बेइज्जती खराब कर रहे हैं। जिसकी इज्जत होगी उसी की तो बेइज्जती होगी। देवा अभी तक सोई नहीं? बहुत देर हो गई, सो जाओ। क्या बात है, किसी उलझन में हो? अच्छा माया दीदी, ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है इसका मतलब क्या होता है? शरीर के अंदर से जब प्रकाश का प्रवाह होता है तब वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तब इनविजिबल होता है क्या माया दीदी? किसी भी चीज में जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तब वो इनविजिबल हो जाती है। इसका मतलब इंसान इनविजिबल हो सकता है माया दीदी? होता होगा। फिर भी कैसे इनविजिबल हो सकता है? What happened? नहीं, कुछ नहीं। तुम गाड़ी के नीचे जाके सो गए क्या? कब रिपेयर करोगे और कब हम लोग यहाँ से जाएंगे? अरे शांत हो जाओ भाई, उन बच्चों से भीख मंगवा के खाने जैसा आसान काम नहीं है। ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म।
बस 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 नहीं रोक दो, आजा लंबू। रामू तुमने उन्हें कहा देखा था? देखो वहाँ पे हमारे पास वाली सब्जी की दुकान आज बंद है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। तभी वो गाड़ी देखी जिसमें भेड़ बकरी की तरह बच्चे भरे हैं। आप क्या इन सबको भी ले जाके पालने वाली हो? चलो हम देखेंगे। अबे उठना, सादे बच्चा भूखा है, जरा सा पानी दे दीजिए ना। कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ तुमको। तुम लोग भीख मांगने आए हो या पिकनिक मनाने आए हो? अभी मिटा देता हूँ इसकी प्यास। इन मासूमों की भीख का हिस्सा खा खा के इतना मोटा तगड़ा हो गया है तू? इतने से भी इंसानियत नहीं है तुझ में? ये पूछने वाली तो कौन होती है? ये पूछने वाला तू कौन होता है? नीचे नीचे इधर देख। तू इसके हुलिये पे मत जा, ये बब्बर शेर है, हार के रख देगा तेरी। अब सब बच्चे नीचे उतर जाओ, अब हम सब इन गुंडों के खर्च पे खाना खाते हैं, उसके बाद बात का प्रोग्राम। नहीं क्या अपनी बहादुरी लड़कियों के सामने दिखा रहा है? तू यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। सच बोल, इन्हें कहाँ ले जा रहे? भगवान के दर्शन कराने। ए हर हर महादेव बोलो। ये दोनों मिलकर झूठ बोल रहे हैं सर। गरीब बच्चों को उठवा के उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करने वाले माफिया गैंग के लोग हैं ये। हम तुम्हें अंदर करवा देंगे, हम लोग लाइसेंस लेके अनाथालय चला रहे हैं। इनकी बातों में मत आइए सर, ये सब चोर हैं। ऐसे बिना लाइसेंस के कई अनाथालय हैं इस देश में, लेकिन ऐसी जगहों में बच्चों का धंधा चलता है सर। बहुत बड़ा सिंडिकेट है इन लोगों का, बड़ी बड़ी हस्तियाँ वहाँ जाकर बच्चों पर जुल्म करती है। सर कैसे भी हो हमें इन बच्चों को बचाना होगा। मैं इन्हें उतारा सर। उतार दो। कैसिम, आई एम राजेंद्र वर्मा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, मिस्टर एसीपी। देखिए क्या हो रहा है। दलाल कहेंगे। अबे चल, क्या रहो सर, इनकी गाड़ी साथ कचरे में ले लो। क्या है, यहाँ क्यों धमाल हो रहा है? सर ये बच्चों को ले जाकर उनसे भीख मंगवाने वाले कमीने हैं। कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो, ये धर्मराज है, मैं इसे पहचानता हूँ, ही इज अ सोशल वर्कर। अरे लखनऊ कानपुर में इसके कितने अनाथालय है पता है तुम्हें? ऐसे सज्जन से तुम इस तरह पेश रहे हो? सर दरअसल नहीं, आई डोंट वांट एनी ऑफ योर ब्लडी एक्सप्लेनेशन। कोई भी कदम उठाने से पहले मुझ जैसे सुपीरियर से कंसल्ट करना चाहिए था ना। इन जालिमों को यूं छोड़ना नहीं चाहिए सर। स्टॉप इट, जो कहा जाता है सिर्फ वही करो, अंडरस्टैंड सर? हाँ धर्मराज तुम जाओ। थैंक यू सर। सर यू मिस्टेक, शट अप। यो हाउ आर यू सैंटी शेखर? गुड, वेरी गुड। यू आर द ओरिजिनल पुलिस ऑफिसर। सिटी पुलिस में इतने बड़े क्रिमिनल्स मौजूद हैं, मैं नहीं जानता था। आई थिंक यू आर अ रियल असेट टू द पुलिस डिपार्टमेंट। हाथ हटाओ कमिश्नर, हटाओ। ये मत समझना कि मैं डर गया। गुड मॉर्निंग फादर थॉमस। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग, मैं कब से खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जल्दी चलो जल्दी चलो। रुको रुको रुको, कहाँ निकले? बताना चाहिए चलोगी तो क्या नहीं बताओगे? सुबह सुबह मैं कितनी बिजी रहती हूँ जानते हो ना। अरे वाह, आ गई बिजी मैडम, कलेक्टर से मिलने जाना था भूल गई। कलेक्टर से? क्यों झोंक गई? फादर थॉमस जेवर को तुम क्या समझ रही हो? कल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यहाँ मुझसे मिलने आई थी वो अनिता वर्मा। हाँ अनिता वर्मा, आईएएस। स्टॉप योर ब्लडी आर्गुमेंट्स मिस्टर कमिश्नर। छोटे छोटे बच्चों को उठा लाकर, उनके आंख फोड़कर, हाथ पैर तोड़कर, उन्हें विकलांग बनाकर, फिर उन्हें भीख मांगने के लिए इस्तेमाल करके करोड़ों कमाने वाले माफिया ग्रुप वालों की खिदमत करना ही मिस्टर सब्रवाल आपकी ऑफिशियल ड्यूटी है। ओहो, आप बात समझे बिना इल्जाम लगा रही है मैडम। उन्हें वो लोग भीख मंगवाने के लिए नहीं ले गए तो फिर? भगवान शंकर के दर्शन कराने के लिए उन्हें महाकालेश्वर ले जा रहे कह रहे थे। अरे हाँ साहब, हाँ, और वो बच्चे हर हर महादेव बोल रहे थे मैडम। सुन लिया ना मिस्टर एसीपी। मैडम आप कहाँ पहले पहुँचे थे ना? आपको क्या लग रहा है? मुझे भी दाल में कुछ काला लगा मैडम, उन्हें देख के मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि उन्हें भगवान के दर्शन के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन कमिश्नर का दावा है कि उन्हें भगवान के दर्शन के लिए ले जा रहे थे वो लोग। छोटे छोटे अनाथ और मासूम बच्चों पर जुल्म करके उनसे भीख मंगवाकर
और उनके भीख के पैसों से दलाली करते हुए आपको शर्म नहीं आ रही है कमिश्नर? ओफो, जब हमारे सामने हजारों समस्याएं हैं जिनसे लोगों की जानें भी जा सकती हैं, तो ऐसे भीख मांगों के अनाथों की फिक्र करने की क्या जरूरत है मैडम? ओहो समझ गई, उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। वोटर्स लिस्ट और राशन रजिस्टर में उनका नाम नहीं है, उनसे कोई भी सलूक चलेगा। हमारे सियासती नेता और समाज के ठेकेदारों के पास इनके खिलाफ आवाज उठाने की फुर्सत नहीं। वो भी इस मौके का हिस्सा है, लेकिन मैं इसे देख के मुंह नहीं मोड़ सकती। डिस्ट्रिक्ट लेवल में होने वाले इस अत्याचार के खिलाफ फौरन सख्त कार्रवाई की जाए, विद इन 24 आवर्स। उसमें क्या है कि दरअसल बात यह है कि यस, इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। यस मैडम। तो कमिश्नर के खिलाफ कंप्लेंट देने वाले तुम ही हो? तो क्या सोचा मैं उसे यूं ही छोड़? तो तुम यहाँ तक पहुँच गयी? अंदर जो मिला वो काफी नहीं। आइए फादर बैठिए। कमिश्नर का तो पसीना छुड़ा दिया आपने। ये कमिश्नर कुछ मंत्रियों के ब्रोकर हैं। हो सकता है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर की टाइपिंग शुरू हो गई होगी। 6 महीने के अंदर ये मेरा 3रा जिला है। माया है ना? जी हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। अनाथ बच्चों से तुम्हारा जो प्यार है उसे उस छोटे घर तक सीमित क्यों करती हो? स्टेट लेवल में सभी अनाथों के लिए हमने एक प्लान बनाया है। हर जिले में अनाथ बच्चों के लिए स्नेह सदन, और तुम उसकी चेयरपर्सन, क्या बोलती हो? इसको सोचने की क्या बात है, हर तरह से एक काबिल ही है। तो अगले संडे मैं तुम्हारे ऑर्फनेज में आ जाऊंगी, हम इस पर फर्दर डिस्कशन करेंगे। आज मैं थोड़ी बिजी हूँ फादर। कल मैंने आपसे एक और बात का जिक्र किया था। ओ, माया के फ्रेंड की बात, मिस्टर रोहित है ना? जी। मैंने पता लगाया यहाँ की बड़ी बड़ी हस्तियों ने रोहित के खिलाफ साजिश की है, उन्हीं की वजह से उनकी सुनवाई तक टलती जा रही है। मतलब रोहित के लिए हम कुछ नहीं कर सकेंगे मैडम? देखती हूँ, जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगी, ठीक है? जी। तो फादर मैं बैठूंगी तो लेट हो जाऊंगी, आज मेरा होटल अशोक में फंक्शन है, CM और कुछ मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। देश के विकास की बात है ना, कलेक्टर को भी जाना ही पड़ेगा। 5-स्टार होटल में कौन सा फंक्शन है मैडम? कल ही फैशन सिटी के ऑफिशियल एग्रीमेंट दुबई वालों के साथ साइन करने वाले हैं, तो फिर आज का फंक्शन किस लिए है अंदाज लगा लो। तो ठीक है, हम लोग चलते। ठीक है मैडम, 1 मिनट के लिए मैं आपसे अकेले में बात कर सकती हूँ? ज्यादा देर मत करना, आओ मेरे साथ। इस माया का कलेक्टर से कौन सा पर्सनल मैटर हो सकता है? आम क्या हुआ मैडम? मैंने जो कहा उसे नाजायज तो नहीं समझती? अरे नहीं नहीं, मैं इसे नाजायज नहीं मानती। सच में तुम जैसी लड़की के लिए मैं कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मगर जानती हूँ मैडम, आपको मैंने सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हिस्से से नहीं देखा। तुम्हारी जिद मुझे भा गई। इन लुटेरों को कानून के सामने नंगा करना चाहती हो ना? मुझे और रोहित को बर्बाद करने का ये बदला नहीं है मैडम। इन कमीनों के खिलाफ अगर कुछ कर सके तो वो इस समाज के लिए बहुत बड़ी भलाई का काम होगा ना? घुमाए फिराए बिना मैं सीधी बात पर आता हूँ यूनुस भाई। दुबई वालों से जो कमीशन मिल रहा है वो है 1400 करोड़। उसमें से 100 करोड़ एडवांस ले चुके हैं, अब बचे 1300 करोड़। उसमें से 1000 करोड़ दिला देता हूँ। मतलब बाकी के 300 करोड़ तुम्हारे? ये नहीं चलेगा नजर भाई। क्यों नहीं चलेगा यूनुस भाई, लंगड़ा है क्या? उन अरबियों को बहला फुसला के जो मैं बिजनेस के लिए यहाँ लाया हूँ वो क्या पुण्य कमाने के लिए? तुम नहीं जानते नाजर, दरअसल ये तो एक नुकसान का धंधा है। जब वो लक्ष्मी विलास पैलेस अंग्रेजों को दिया, कमीशन के तौर पर 50 करोड़ मिला था। ये 500-600 एकड़ की हरी भरी हॉट प्रॉपर्टी है जिसे अरबी लोग सस्ते में ले जा रहे हैं। हमारी कौन सी बाप दादाओं की जायदाद है वो? इस कुर्सी पर बैठे हो इसीलिए तो कमीशन मिल रहा है। आप आम खाइए ना, बेवजह गुटलियां क्यों गिन रहे हैं यूनुस भाई? ये बेवजह नहीं ले रहा हूँ, अगले चुनाव के बाद दोबारा हुकूमत में आना है तो पानी की तरह पैसे बहाने होंगे। तुम तो जानते हो ना, पिछले बार के पार्लियामेंट इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में हमारी पार्टी का एक भी आदमी जीत नहीं सका। अगर मैं हुकूमत में आया तो ही तुम्हारा भी कोई फायदा होगा, इसलिए मेरे भाई इन 300 करोड़ के मामले में तुम्हें कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। ओ हो, हाय हाय हाय, जय महाकालेश्वर। वो लोग कौन सी भाषा बोल रहे थे? मेरी बात उनके पले नहीं पड़ रही थी और उनकी बात मेरे पले नहीं पड़ रही थी। अरे तुम्हें तो हिंदुस्तानी ठीक से नहीं आती वर्मा साहब, तो अरबी का खाक समझोगे? पॉलिटिक्स में भाषा की क्या जरूरत है भाई, अभी की बात देखो, उन लोगों की शक्ल से बात क्या है मैं समझ लिया। उन लोगों को लड़की चाहिए, मैं यानी इस राज्य का रेवेन्यू मिनिस्टर उनके लिए दल्ला का काम करो। छे 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 छे, कैसा वक्त आ गया है। हाँ,
हमारी कलेक्टर साहिबा को देखने के बाद ही उनके मन में लड्डू फूटने लगे हैं। अरे उनके मन में लड्डू फोड़ने के लिए ही तो हमने उसे बुलाया। मैं कमिंग सर। हाँ, 100 साल की उम्र है, अभी अभी तुम्हारे ही बात कर रहे थे। क्या बोल रहे थे सर? उम्मीद करती हूँ कुछ अच्छा ही होगा। फिर क्या, समझदार हो, होनहार हो, इन्हें IAS में फर्स्ट रैंक मिला था। फिर खानदानी हो, सुंदर हो, सुशील हो, किस बात की कमी है। बैठिए। थैंक यू सर। ये हमारी खुशनसीबी है कि आप यहाँ के कलेक्टर बन के आए। ज्यादा तारीफ करके मुझे मत बिगाड़िए सर। बिगड़ जाओ, जी भर के बिगड़ जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। कल फैशन सिटी के एग्रीमेंट साइन करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं सर। इफ देयर इज एनीथिंग। अनीता, तुम हमारे लिए सिर्फ कलेक्टर नहीं हो, हम तुम्हें अपना समझते हैं। अब हमारे हर प्रोजेक्ट में तुम हमारे साथ रहोगी, हम तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाने वाले हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं। अनीता, अगर तुम साथ दोगी तो हम तुम्हें इस राज्य का चीफ सेक्रेटरी बना देंगे। जब तक मैं चीफ सेक्रेटरी बनने के लायक हो जाऊंगी, तब तक आपके बच्चे आपके कम से कम 10 पुण्यतिथि मना चुके होंगे। तो इतना भी बुढ़ा मत समझो मुझे। तुम सॉरी सर। अब जल्दी जल्दी लाके रखो ना। अनीता, तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगाओ। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। रहने दो, मैं सर्व कर दूंगी। यू कैन गो। लड़की हो तो ऐसी हो। कलेक्टर दिल की बात समझ जाती है। कभी कभी नजरअंदाज की जाने वाली एक मामूली सी चिंगारी पूरे जंगल को राख बना देती है ना? जय महाकालेश्वर। अरे मैं पागल आ रहा हूँ, ये सब हमारे लिए है। हमारे लिए है। क्यों खुश हो ना? कुल लालीम क्या मर रहा वह नर्द आलम अव्वल मर रखी था नफर सूद माफी बचित वनीस। ये शेख लोग अरबी भाषा में क्या बोल रहे हैं? अलग अलग देशों में जाकर बहुत से बिजनेस किए हैं, लेकिन यहाँ के टुच्चे मंत्रियों जैसे कहीं नहीं देखे। कह रहे हैं जर्नलिज्म, अरे दहल का हमारे सामने कुछ भी नहीं है। वेरी ट्रू। देखो हमारा न्यू इंडिया चैनल दुनिया भर में मशहूर होने वाला है। इस स्कैंडल के टेलीकास्ट होने के बाद वर्ल्ड लेवल में हमारा चैनल नंबर 1 हो जाएगा। प्रणाम राय और राजदीप सरदेसाई, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। थैंक यू। सॉरी सॉरी, खुशी के मारे में थोड़ा जज्बाती हो गया। कोई जबरदस्ती लड़की से कहना मिलता है? तू जा रहे यहाँ से? तू अपने आप को किस तरह का जर्नलिस्ट समझता है? माया से कुछ सीख ले। बोलो माया, आप मुझे क्या करना है? अगले न्यूज बुलेटिन की ब्रेकिंग न्यूज में इसे टेलीकास्ट कीजिए। जरूर करूंगा, देरी करने से क्या फायदा। मगर ये झटका देने वाली न्यूज है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मशवरा करना बेहतर है ना? सही कह रहे हैं आप, इनकी जानकारी उन्हें भी होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग आज ही बुलाई जाए। कल सुबह की ब्रेकिंग न्यूज यही होगी। वो मेमोरी कार्ड मुझे दे दो। इसे मेरे पास ही रहने दीजिए सर, बाहर की दुनिया इसके बारे में जानने तक इसका मेरे पास रहना ही सेफ है। हो जाऊंगी कहकर लगता है ये अभी तक नहीं उठी है। कमाल है। अरे हे भगवान, इसे यहाँ पर किसने छोड़ा होगा? माया मदर टेरेसा बन गई, ये बात लगता है पूरी दुनिया को पता चल गई। हे माया, जल्दी आ जाओ।
ले 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 लो। अरे कौन है ये बच्ची? इसे आज सुबह मैंने ही पैदा किया। मजाक मत कर। ये बच्ची वहाँ पेड़ के नीचे पड़ी थी। ए, यहाँ आंगन में झूला बनाकर डाल दो, ऐसे अनाथ बच्चों के यहाँ लाइन लग जाएगी, है ना? ये 4-5 महीने की तो होगी। पता नहीं, यहाँ चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट तो तुम हो ना? अरे ये क्या, रोहित की माया के साथ शादी होते हुए कल रात ही सप्ते में देखा था मैंने। इतनी जल्दी बच्चा भी हो गया? सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। सीजेरियन से बच्चा हुआ? नहीं, सीजर फिल्टर से हुआ। ओ, ऐसे भी बच्चा पैदा होता है? अबे जाके अपना काम करना। माया, यहाँ इस तरह बच्चे बढ़ते जाएंगे तो हमारे होने वाले बच्चे अनाथ हो जाएंगे। घबराओ मत, हमारे बच्चे और ये बच्चे सब एक साथ में यहाँ पलेंगे। प्यारी है तो ले लो। प्यारे बच्चे को छोटे का किसका मन किया होगा? आजकल की टीवी सीरियल की तरह आंसू में डूबी एक लंबी दास्तां इसकी पैदाइश के पीछे भी होगी। अब जर्नलिस्ट रोहित के नॉवेलिस्ट रोहित बनने का वक्त आ गया। नॉवेलिस्ट? नॉवेलिस्ट कैसा? इस बच्चे का राज ढूंढ के उस पे नॉवेल लिखूंगा। ये उसका पहला। बोल, कहाँ है तेरी बच्ची? मैं नहीं जानती। तू नहीं जानती है ना? सुनो, मंत्री यूनुस खान ने तुम्हें देखा और तुम्हें पसंद किया। उसे किस्मत समझकर जो पैसे मिले वो लेकर कहीं और चले जाना चाहिए था ना? तुम यहाँ पर दोबारा क्यों आई हो? उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए? कैसे घड़ियाली आंसू बहा रही है देखिए, ये बड़ी चालू चीज है नासर भाई। शराफत से बता दे, कहाँ है तेरी बच्ची? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। जानी, उस बच्चे का बाप यूनुस खान है ये साबित करने के लिए। ये जिंदा रहनी चाहिए ना? लेकिन जिंदा नहीं रहनी चाहिए। बोल बोल, शराफत से बोल, कहाँ है तेरी बच्ची? बोल दिया तो तू मेरे बच्चे को मार दे, मैं नहीं बोलूंगी। बोल ना, कहाँ छुपाया उसे? बोलती है कि नहीं? कहाँ है वो? बोल बोल। क्यों बे, तुम इन्हें फोटो खींचते हैं? वो भी हमारी लेजर कैमरा। मेरा कैमरा? छोड़ना नहीं इस कुत्ते को, इसे जहां पहुंचाना मैं पहुंचा दूंगा। उसकी रस्सी खोलो। सर, यहाँ होने वाला शोर शराबा सुन के हम लोग आ गए, तब तक ये मर चुकी थी। तुम लोग कौन हो? हम यही आसपास में ही रहते हैं। हमें देखते ही इसने भागने की कोशिश की, इसे पकड़ के बांध के रखना पड़ा। मैंने नहीं किया सर, सर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने खून किया सर, मैंने खुद अपने आंखों से देखा। इसका यहाँ आने जाने लगा रहता है सर। ये लड़की इसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी, इसलिए इसने इसका कत्ल किया। सर आप इनके बारे में बताइए सर, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं। जानता है या नहीं, इसका फैसला थाने में जाकर करेंगे। मेरा विश्वास कीजिए, मैं देश प्रेमी अखबार का रिपोर्टर हूँ। फोन करके अखबार की धमकी देता है, साले सुअर की औलाद। देश प्रेमी का रिपोर्टर खून करेगा तो पुलिस का उसे चुम्मा देगी सोचता है। जेल में बैठ। नहीं, वो सब याद मत करो और ना ही मुझे याद दिलाओ। याद करना होगा, सब कुछ याद करना होगा, तभी अंदर जुनून पैदा होगा। हमें रुलाने वालों से हमें बदला नहीं लेना। जब तक ये मिनिस्टर पदवी में है तब तक ही वो तुम्हें यहाँ रख सकते हैं। बिना सुनवाई और जमानत के पिछले 3.5 साल से तुम्हें जेल में डालने वालों को मिटाने के लिए एक बॉम्ब तैयार करके ही मैं यहाँ आई हूँ। बॉम्ब? जी हाँ, वो बॉम्ब सबूत बनके मेरे सेलफोन में है। अरे सबूत तो दूर, अगर भगवान खुद आ जाए तो भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका जवाब आने वाला कल देगा। माया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे इंतजार में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। मुझे तुम अभी भी पहचान नहीं सके ना? तेरे बिना मेरी कैसी जिंदगी यार? हम एक साथ जिएंगे, तुम देख लेना, हंसते खेलते जिएंगे।
दे चल चल ये प्यार चलते हुए हलचल खिल के फैल गई दिल की पंखुड़ी सुख मिले अब बंधी हरार मन से आ जुड़ी ओ दिल को बता दे अपने साहब इस सफेद खरगोश के लिए इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? साहब कह रहे हैं कि इनविजिबल होने के लिए सफेद रंग का होना जरूरी है। इंसान को भी इनविजिबल कराने के लिए सफेद पोशाक पहनाना पड़ता है, यही उनका मानना है। ये इनविजिबल का मतलब क्या है? अरे वही आदर्शनीय है। क्या आदर्शनीय? जी अपना काम कर। जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। सिद्धि विनायक मंदिर में 101 नारियल फोड़ने की मन्नत मांगी है, काम हो जाएगा ना साहब? Yes, it could be a historical wonder, otherwise a historical blunder. I'll try my best. जी।
बाद दामोदर वी डिड इट मैन वी डिड इट साहब ये खरगोश वापस आ जाएगा साहब जरूर आएगा विद इन वन आवर यू विल सी इट इसे एक घंटे के बाद हम देख सकते हैं ओह माय गॉड आई मेड इट या Where did you go, my dear friend? किससे पूछ रहे साहब अपने खरगोश से वो यहां आराम से बैठा हुआ है अरे श्याम ये पकड़ो 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 अबे ओ इतना भारी बोझ मत उठा वरना लंबा हो जाएगा देवा अभी तक आया नहीं श्यामलाल अरे वो तो साइंटिस्ट के प्रयोगशाला के आसपास कहीं भटक रहा होगा स्कूल से लौटते ही बैग रखने के बाद सीधा वहीं को तो दौड़ता है एक घंटा होने जा रहा है गॉड थैंक यू अब ये दिखने लगा है तेरा लाख लाख शुक्रिया गणपति जैसा कि आपने कहा इतिहास रच गया साहब अब साहब कहां से कहां पहुंच जाएंगे कहीं नहीं मैं यहीं रहूंगा क्यों कोई शक है आपका तो जवाब नहीं साहब सर मैं आपसे एक बात कहूं वैसे तो आत्मा ही निराकार होते हैं ना हो सकता है आपकी ये खोज आत्माओं को पसंद ना आए इसलिए हमें सावधान रहना है क्यों ना हम एक महासुदर्शन यज्ञ करें हम यज्ञ पूजा हवन सब करेंगे दामोदर लेकिन मेरी कामयाबी देखने को काश मेरी इंदुमती मेरे साथ होती अभी अभी माँ को याद कर रहा था इतने में बेटी का फोन हाय स्वीट हार्ट सॉरी सर दिस इज डॉक्टर जॉन मार्टिन फ्रॉम न्यूयॉर्क सर Sunita met with an accident this morning on her way to school. This was about half an hour back. Sir, it's a bit serious. I hope you reach here as soon as possible. Yes. Kya baat hai sahab? Kya hua sahab? Meri Sunita ka accident hua hai damodar. Usse foreign airport jana. Hey Bhagwan, sahab ki beti sahab ki jaan hai. मैडम सुबह सुबह ब्रेकिंग न्यूज में आएगा थैंक यू मैडम गुड नाइट इतनी रात पे कौन हो सकता है मेरा नाम जज है कनाडा में एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ यहाँ आए हुए एक हफ्ता हुआ फादर थॉमस का दूर का रिश्तेदार हूँ मैं उन्हीं से मुझे आपके बारे में पता चला सड़क में घूमने वाले बच्चों को लाकर उन्हें नई जिंदगी दे रहे हैं ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी मिसेज जानसी आपके बारे में जानने के बाद आपसे मिलने के लिए बेताब है वो भी आपकी तरह सोशल वर्कर है आप कैसे आना हुआ बच्चों के लिए जानसी ने ये तोहफा भेजा है थैंक यू जानसी आपसे बात करना चाहती है मैं लाइन मिला दूं आप उनसे बात करेंगे हाँ ओह शिट इसमें चार्ज नहीं है आप अपना मोबाइल देंगी मैं नंबर मिला हाँ मानना होगा तुम वाकई चालाक हो मैं ये ले जाता हूँ ओके अरे माना रानी बेटी
रानी बेटी, रानी बेटिया, रानी बेटिया, रानी क्या, रानी बेटिया, हाउ इज शी डॉक्टर? शी इज ऑल राइट, सही वक्त पर यहाँ लाने से ये बच गई। कल रात से ये माया दीदी बोल के रो रही है, अगर वो यहाँ होती तो ये जल्दी ठीक हो जाती। माया कहाँ है अभी तक हम पता नहीं लगा पाए। रानी बेटी और इन बच्चों के खातिर माया को जल्दी ढूंढना पड़ेगा सर। वो हमला करने वालों में से एक आदमी उस कुवैत नासिर के गुंडों में से एक है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आप कलेक्टर हैं, उस नासिर के घर रेड करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मैडम के कहे मुताबिक हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके घर पर रेड करना इतना आसान नहीं है फादर। अगर यहाँ का होम मिनिस्टर भी चाहे तो भी ये मुश्किल है, और फिर माया वहीं पर है, इसका हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। मतलब मेरी माया बेटी को उन गुंडों से आप लोग नहीं बचा पाओगे? माया दीदी की कुछ भी करके रक्षा करो भगवान जी। उस खरगोश का गायब हो जाना किसी भी दवादारू से नहीं, किसी भूत प्रेत का खेल है ऐसा मैंने कहा तो तुम लोगों ने माना नहीं। अंजाम क्या हुआ देखा? शेखर साहब की बेटी का एक्सीडेंट हुआ ना, पड़ोस में रहने वाली लड़की को गुंडे अगवा करके ले गए ना। बेटा श्यामलाल, भूत की तो अभी अभी शुरुआत हुई है। ये भूत कब आता है ये जानने का कोई तरकीब है दामू भैया? आमतौर पर भूत शुक्रवार की रात सफेद लिबास पहनकर दारू पीकर गाना गाते हुए निकलते हैं, लेकिन यहाँ तो गोरे साहब और गोरी मेम के भूत हैं, इसलिए हिंदी गाना ना गाकर अंग्रेजी गाना गाएंगे। अंग्रेजी भूत कैसा गाता होगा? अरे यही डॉक्टर सॉन्ग है, ले सुन। Represent, 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 represent
Microphone check, yo, microphone rack. Go to war like a vet on the lyrical set, cause I'm a soldier. Hitting you with words, okay. Playing the vocal song, singing like यही है ना? ये कुवैत नासर को पूछने वाला कौन है भाई? हटो सामने से। सूट बूट पहन के टीवी के सामने शराफत की बात करना तो ठीक है, लेकिन जीने के लिए जेब में नगद होनी चाहिए। आप लोगों भी कितने करोड़ों रुपए खर्च करके मंत्री और एमएलए वगैरह बने हैं, पल भर में एक ही न्यूज की वजह से आप सबका वजूद मिट जा गया सोचते ही मुझसे रहा नहीं गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो रिश्वत है ना, वो अपनी आर्थिक व्यवस्था का एक अटूट हिस्सा बन गया है। देखे, विकास और रिश्वत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। विकास के बिना रिश्वत नहीं और रिश्वत के बिना विकास नहीं। मानता हूँ कि तुम चलते फिरते शब्द कोश हो। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे शुक्रिया की नहीं, पैसों की जरूरत है सर। मेरे अपने चैनल और मुझे चाहने वाली माया को धोखा देकर ही मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ सर। अगर आप लोग मेरी जेब गर्म करते तो मैं यहाँ से खिसक लूंगा। ये लो 5 लाख रुपए हैं, फिलहाल ये रख लो। अरे ये क्या है, 1400 करोड़ का कम से कम 10% देखा जाए तो भी 140 करोड़ बनता है ना। आप लोग जानते हैं ना, अगर मैं नहीं होता तो अब तक आप लोगों की सरकार गिर गई होती। कम से कम 14 करोड़ तो लेके ही जाऊंगा। क्या तुम तो पहुंचे हुए खिलाड़ी हो। ओए चलते फिरते शब्दकोश, आगे भी हम तुमसे मिलके तुम्हें खुश कर देंगे। तुम्हारा अपना एक चैनल खोलने में तुम्हारी मदद करने के लिए भी हम सोचेंगे। फिलहाल ये लेके जाओ। थैंक यू सर, लेकिन आप लोग मेरे बाकी के पैसे। अरे क्या हो गया, कुर्सी की बैलेंस बिगड़ गई सर। या 5 लाख दे के खुद का बैलेंस खो दिया? ऐसा नहीं है सर, जितना ज्यादा पैसा देखता है तो मेरा बैलेंस बढ़ता है सर। अच्छा, ये क्या बदतमीजी है, पैसा मिलते ही पागल हो गया क्या? हो गया ना साहब। अरे जरा पिए तूने? नहीं सर, रात को पी लूंगा। ठीक है, अभी तुम जाओ, हम बाद में मिलेंगे। गुदगुदी चली गई सर, मैं भी चलता हूँ। पागल है साला, फिर भी उसने हमारे लिए जो किया वो मायने रखता है। इसी वजह से तो मार खाए बिना चला गया। लो आ गए जयदान के बच्चे। क्या हुआ, मिला? कोई कार्ड नहीं मिला नासर भाई, वो साली कह रहे हैं कि उसके पास नहीं है। तुमने देखा था ना? हमने देखा था नासर भाई, उसके हाथ से मोबाइल लेकर वो क्लिपिंग हमने देखा था। उन दोनों शेखों से, यूनिस भाई और दीवान को पैसे लेते हुए उसने अच्छी तरह शूट कर लिया है। तो फिर वो कहां गया? वो कहीं घर पे तो नहीं छुपाया? तुम लोग चलो, उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। चलो। अरे शैतान के बच्चों चलो। और धक्का क्यों दे रहा? किसने धक्का दिया? अरे बाप ने। बता रे, तेरे मोबाइल का मेमोरी कार्ड कहाँ है? मैं नहीं जानती। ऐ गौर से सुन, जैसा टीवी में उछलती है वैसा हमारे सामने उछलने की कोशिश की तो तेरे टुकड़े करके कुकर में डाल के बिरयानी बना देंगे। शराफत से बोल, कहाँ छुपा रखा है तूने वो मेमोरी कार्ड? मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती। शराफत से मुझे छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है। अरे मेरी छमक छल्लो, ज्यादा शोर मत मचाओ। कैसा फूल जैसा नाजुक बदन है तुम्हारा, बेकार में खिटपिट किए बगैर अपना मेमोरियल कार्ड इनको दे दो, नहीं तो ये लोग तेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे। जहाँ शरीफ लोग बिजनेस करते हैं वहाँ साले घुस का अखबार के लिए जासूसी करती है। जॉनी। हाँ साहब।
इसे मारने से पहले इसके कुछ अनाथ बच्चे हैं ना, उन्हें भी जाके खत्म कर दे। जना के खाजा, उनमें तेरी अपनी औलाद भी है, तब और मत आएगा। जिस लड़की को तूने बर्बाद करके जान से मार दिया था, उसकी बच्ची को भी मैं पाल रही हूँ। चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, तुम जैसे इंसानी भेड़ियों के सामने मैं हार नहीं मानूंगी। जब तक मुझ में जान है, दुनिया के सामने तुम्हें बेनकाब करूंगी। जाके निकालो, इसी के पास है वो कार्ड। चल बता कार्ड, कार्ड कहाँ रखा है? इसकी आदम रख रहा हूँ, मत कर। कौन मेरे पीछे सलाह क्यों गुजर दी? ओए मैंने कब गुजरा? अगर आप इसे पकड़ना चाहते तो बोलना चाहिए था ना, मेरे पीछे सलाह क्यों गुजर दिया? तूने क्या शराब पिया जो मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो? या अल्लाह! अरे नहीं, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे हम मंत्री हो, अरे जय महाकालेश्वर, भैरव से पुष्पांजलि की अर्चना करूंगा। देखा तुम लोगों ने, भूत का खेल बंद हो गया है। इस साली ने तो जिन पाल के रखे हुए हैं। जिन नहीं नाजिर भाई, ये तो भूत है या फिर कोई चुड़ैल है। महाकालेश्वर, ये अजूबा क्यों और कैसे हो रहा है? माया दीदी, माया दीदी, कौन कौन है? माया दीदी, माया दीदी, अरे ये मेरे देवा की आवाज है ना? जी हाँ माया दीदी, मैं ही हूँ माया दीदी। कौन है? मैं तुम्हारा देवा हूँ माया दीदी। तुझे मैं देख नहीं पा रही हूँ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं देवा? मैं कोई आत्मा बनकर नहीं आया हूँ माया दीदी, मैं इनविजिबल हूँ। इतनी देर क्यों कर रहे हैं वो? उसके आने में देर क्यों हो रही है परमार भाई? अरे बेकार में तुम टेंशन मत लो, स्वामी जी अभी यहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत ही पहुँची हुई हस्ती है, जो मरे हुए लोगों को बुलाते हैं ना, उस तरह के हैं ये भी। उस लड़की को हमने बंदी बना रखा है, ये उसने बाहर बता दिया तो? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, देखना है तो देख लो। भैरव स्वामी की एक नजर पड़ते ही वो बैठ जाएगी। बैठ जाएगी, बैठ जाएगी, उसका भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ। ऐसा क्यों किया? अपनी बेटी को बचाने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अगर तुझे कुछ हो गया देवा, तो हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो माया दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। उस खरगोश को पहले इनविजिबल होके बाद में विजिबल होते हुए मैंने देखा है, एक घंटे तक वो गायब रहा। ये बता, रानी बेटी खतरे में तो नहीं ना? रानी को कोई खतरा नहीं है, ऐसा डॉक्टर ने बोला, मगर होश में आने के बाद माया दीदी को देखना है बोलकर रो रही थी। चलो माया दीदी, हम यहाँ से भाग चलते हैं। उन लोगों ने बाहर से ताला लगा दिया है, अब हम क्या करेंगे? अरे एक घंटा पूरा होने में 10 मिनट ही बाकी है। उससे पहले तू यहाँ से किसी भी तरह बच निकलने की कोशिश कर। ये ले, मैं बच ना सकी तो भी कोई बात नहीं, तू ये कार्ड रवि शर्मा जी के घर ले जाके दे देना। ये क्या है माया दीदी? ये सेल फोन का मेमोरी कार्ड है, ये रवि शर्मा जी के पास पहुँच गया तो हम जीत जाएंगे। लेकिन मैं बाहर कैसे जाऊंगा? आजा। ओम काली, इसकी आंखों में देखो, प्रेत का साया है इस पर। वो कब हमला करेगी कुछ पता नहीं चलता है। स्वामी जी, पहले इस लड़की को काबू में करना होगा, बाद में उसके बदन में से मुझे कुछ ढूंढना है। क्या नाम है उसके नाजर भाई? मेमोरी कार्ड। वही सच बता, कौन है तू? भूत प्रेत बैठा योगनी या कोई चुड़ैल? क्यों ही कोई भी हो, इतनी बड़ी सलाह से मेरी डीके को पंचर किया है, मुझे इसकी डीके का विषय भी करना है। तांत्रिक जी,
इसने फिर मेरी डिग्गी का मुआयना लिया है, अब क्या देंगे खड़े खड़े यहाँ पर। ओम ह्रीम भद्रकाली नमः, कौन है तू बता, नहीं तो इस भैरव के प्रहार से तू मर जाएगी, जल्दी बता। पीपल वाली चुड़ैल, मेरी शक्ति कितनी ज्यादा। अभी पीपल वाली चुड़ैल मिट जाएगी। ओम ह्रीम भद्रकाली। मारिए हिम्मत और मारिए, हाँ और जोर से जी, और जोर से। बाप रे, सामी के आगे पड़ गई, तांत्रिक कंपोनेंट गए। अरे मामूली चुड़ैल नहीं है, इसने मेरे पौरुष को नष्ट कर दिया। अरे मुझे कोई अस्पताल ले चलो, एम्बुलेंस। इतने से इस कार्ड में क्या क्या बच चुकी है। अरे कौन हमसे टकराया, अरे हमारी चाय की प्याली वाली सब गिर गई, अब नसीब में हमारी जान ले लेंगे। अरे अल्लाह, वो उठाने से पहले विजिबल हो गया तो पता नहीं कौन हमको लात मार दिया था। अरे हमारा छोड़ो, क्या हो रहा है, अरे अल्लाह क्या हो रहा है। अरे अल्लाह किसकी आवाज आ रही है, कौन लात मार रहा हमको, अरे क्या हो रहा है। अरे गेट किसने खोला है। अरे सामने से आ गया। दरवाजे तो खुले पड़े हैं, क्यों बंद कर दूं? नहीं चलते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ, नोबेल पुरस्कार तो चूर चूर हो गया। ये भूत का ही काम होगा, अंदर जाके देखो ना दामू भैया। मैं शादीशुदा हूँ, मैं अंदर घुसा तो भूत बुरा मान जाएंगे। तू घुस जा, तू अकेला है ना। अरे मेरी तो अभी शादी होना बाकी है, तू आ रहा अंदर गया तो वो पूरा बन जाएगा। मानेंगे, गलत समझेंगे। भूत के बाहर निकलने से पहले तांत्रिक को बुला के लेके इसको बुलाओ। क्या भूत पकड़ना है? अभी घिसक गई है। अभी श्यामलाल तुझे तुझे बुला रहा है। दामोदर तुम्हारा नाम है ना, तू ही को बुला रहा है। क्या मुझे बुलाया आपने? हाँ तुझे ही बुलाया, दरवाजा खोल। कौन सा दरवाजा? ऐसा एक मैंने पहले से पकड़ रखा है। कहीं वो मेमोरियल कार्ड निकल तो नहीं लिया उसने? भले ही उसके शरीर के टुकड़े करने पड़ जाए, ये नासर उसे निकाल के ही रहेगा। नाजर भाई के हाँ करने की देरी है, उसके टुकड़े करने की जिम्मेदारी मेरी। तुम लोग जाओ, कैबिनेट मीटिंग है ना, वहाँ पहुँचने तक मंत्री पदवी रहेगी कि नहीं यही मेरा डर है। उस कार्ड को वो कहीं गलत जगह छुपाई होगी, वो कुछ भी कर सकती है साली। फिलहाल तुम जाओ,
उसे मैं अपने ढंग से देखूंगा। हाँ देख लो देख लो। अरे तुम क्या देख रहे हो, गाड़ी निकालना। कमरे की चाबी दो। जी ये लीजिए। ये क्या है? अरे मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। अरे नजर भाई, उठिए नजर भाई, उठिए। कौन था वो? लगता है वो भूत फिर से यहाँ आ गया है नजर भाई। लेडी की दीदी, वो कमीना पिछले तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आने वाला था, मैंने उस पर पत्थर फेंक दिया। तूने फिर जाके वो दवा पी ली ना? पी ली माया दीदी, पहले से भी दुगनी पी ली। अब दो घंटे के बाद ही मैं विजिबल होऊंगा। वो मेमोरी कार्ड तूने रवि शर्मा जी को दे दिया? वो मेरे हाथ के नीचे गिर गया माया दीदी। कहाँ गिर गया वो? वो जगह तो मैं जानता हूँ, तुम मेरे साथ आओ। बाहर कोई भी नहीं है माया दीदी, और यहाँ रुकोगी तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। जल्दी चलो माया दीदी। जाइदा, जाइदा, दीदी उस तरफ से चलते हैं। बेटी जाइदा, जाइदा बेटी, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ अच्छा, कपड़े सब यहाँ रखे, लड़की कहाँ चली गई? अम्मी मैं 10 मिनट में नहा के तैयार हो जाऊंगी, मैं शाम में मिलूंगी आपसे। अरे वाह, बाथरूम के अंदर भी फोन। अरे गहने की दुकान जाने के लिए कितने देर से वेट कर रहे पता है तुझे? अब्बा तैयार हो गए? पहले जो जिन आया था वो दोबारा भी आया, तेरे अब्बा के सिर पे पत्थर फेंका उसने। उस जिन से मैं भी मिलना चाहती हूँ। बात खूब, हम अपनी मर्जी से जिन से थोड़े ही मिल सकते हैं, ये सब शैतान और रहमान की बात है। तू जो जल्दी तैयार हो जा, अब्बा का इंतजार करने से कोई फायदा नहीं, हम चले जाएंगे। या अल्लाह, यहाँ भी जिन आ गया, बचाओ। मेमोरी कार्ड कहाँ गिर गया था देवा? आओ दिखाता हूँ। कहाँ? वहाँ है देखो। अरे जहीदा तैयार होकर यहाँ खड़ी है। अरे देर हो रही है, तू जल्दी जाके ले ले। बेटी तू नीचे क्या देख रही है, देर हो रही है, चल लौट के बहुत सारे काम करने हैं। सुनो तुम उस औरत के साथ जाओ, मैं वो कार्ड शर्मा अंकल को दे दूंगा। अरे इस बुरके में तुम्हें कोई पहचाने का भी नहीं, तू वहाँ पे क्या कर रही है, जल्दी चल मेरे साथ। चल बेटी। रुख से जरा नकाब हटा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर एक बार दिखा दो मेरे हुजूर, जलवा फिर है। कौन जलवा दिखा रहा है? बाप रे क्या हो रहा है, जलने जला रहा हूँ। ढाई लाख डाल दो। बाप रे क्या हो रहा है, लाल लटवा। बाप रे, अरे अल्लाह मियाँ बहुत डर लग रहा है हमको, लगता है कोई जिन इनके साया हो गया है। अरे नासिर मियाँ हमको बचा ले आओ, यहाँ जिन इनके साया आ गया है, अरे बचा ले हमको। तुम जैसा समझती हो मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, मैं न्यू इंडिया टेलीविजन का एमडी हूँ रवि शर्मा। दूसरे चैनल वाले ने मुझे देख लिया, झटका देने वाला मैं खुद झटका बन के रह जाऊंगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। हाथ छोड़ो। सर मैं हूँ माया। माया तुम यहाँ कैसे, वो भी बुड़के में? मैं सब बताती हूँ, पहले आप गाड़ी निकालिए। खुदा का संबर का पहनने के बाद ज़ाइदा जलती लग रही थी। वो बकवास बनकर हमारा खून पीने के लिए आने वाले चुड़ैल है। वो एक नंबर के क्रिमिनल है, क्रिमिनल। अब उसका इस दुनिया में जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। उसके लिए एक रास्ता है मेरे पास, तुम लोग जाओ पहले यहाँ से। चल बेटी। अरे बाप रे, एक जगह सलाह कुछड़ी और पूरा बदन दर्द कर रहा है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। अरे क्या हुआ?
अरे जमाल, कथक का डांस अभी तक खत्म नहीं हुआ। अच्छा मंत्री जी, आपने खुद देखा है ना कि मेरे मुल्तान में साला घुसड़ी। अब कुछ दिनों तक मुझे नहीं लगता कि मैं अपने पैरों से खुद चल पाऊंगा। पूरा हुआ, आपने जिसे बुलाया वो आ गए हैं नसर भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम दुबई से आ गए हो ऐसा जमाल बोल रहा था। इब्राहिम भाई ने सुपारी दी थी, उसके लिए आया हूँ। काम पूरा हो गया है, कल की फ्लाइट से वापस जा रहा हूँ। नहीं, दो दिन के बाद तुम चले जाना। एक सिर चढ़ी सुअर की औलाद को जमाल दिखाएगा। 24 घंटे के अंदर मैं उसकी लाश देखना चाहता हूँ, और ये काम तुम करोगे। तुम तो बच गए हो ना, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत आएगी, ये मेरा मन बार बार कह रहा था। क्योंकि मेरी माया बेटी प्यार की मूरत है, परी की तरह है। अपने रानी बेटियों को देखा ना? ये क्या पूछ रही हो? तुम्हारे बच्चों की भी तुम्हारी तरह देखभाल कर रहा हूँ। हमारी खुशनसीबी है कि रानी बच गई। मैं अभी रानी को देखना चाहती हूँ। नहीं, तुम्हारे घर में और फादर के ऑर्फनेज में नाजर के गुंडे तुम्हारी तलाश में आ सकते हैं। अब अनिता को खबर करनी होगी, इस वक्त वही बचा सकती है तुम्हें। जैसे शर्मा जी ने कहा, वैसे तुम्हारा गुस्सा वो गुंडे कहीं बच्चों पर न निकाले, यही मेरा डर है। मारे डर के बच्चे रात भर सोते तक नहीं है। मेरे वहां जाने का वक्त हो गया, चलता हूँ शर्मा जी। गुड नाइट फादर। गुड नाइट। ये तो अच्छा किया कि तुमने देवन के बारे में फादर से कुछ नहीं कहा। दो घंटे हो गए ना, अब वो विजिबल हो गया होगा। फादर इसके बारे में जान गए तो और भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए उनसे ये बात छिपाई। वैसे अगर फादर कहते कि उसे मिलने के बाद ही वो जाएंगे तो मैं बुरी तरह फंस जाता। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं हमारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ। यहाँ कोई सर्वेंट नहीं है। मेरी खुशनसीबी है कि सर्वेंट आज घर चला गया। घबराओ मत माया, मेरी मुद्दत की तमन्ना है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में कुछ वक्त गुजारूं। ऑफिस में तो कौशिक का बच्चा मेरी जान खाता रहता है, और तुम्हारे घर में तो बच्चों की पलटन है ना। ऊपर वाला मुझ पर मेहरबान है जो आज की रात मुझे मिल गई। गॉड इज ग्रेट। सर आपका मतलब? लव इज ग्रेट। पहली मुलाकात में ही मैं बताना चाहता था, लेकिन बताने के लिए एक डर। आखिर बात क्या है सर? मेरी मोहब्बत की गहराई में झांकोगी तो झटका खाओगी। इस कदर चाहते हैं? अब तुम्हें क्या शक हो रहा है? अगर इतना चाहते हैं तो मेरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे ना? बिल्कुल पूरी करूंगा सर, कटाकर भी पूरी करूंगा। तो रोहित को जमानत पर छुड़ाने के लिए आप मेरी मदद करेंगे? रोहित को? मतलब अभी तुम उसे प्यार करती हो? सिर्फ अभी ही नहीं, हमेशा। ये देवा होगा तो कम से कम वो मेमोरी कार्ड तो मुझे मिलेगा ना। झटका खाया हुआ मैं दुनिया को झटका देने वाली खबर तो दे दूं। देवा, कौन है? क्या हुआ? कौन है? क्या हुआ? वो यही कहीं है, लेकिन लगता है अभी तक वो इनविजिबल है। देवा, बाप रे! सॉरी अंकल। माया दीदी, मुझे गलत मत समझना, वो मेमोरी कार्ड नहीं मिला। नहीं मिला तो अभी तक विजिबल क्यों नहीं हुआ? मैं नहीं जानता, अब से तुम लोग मुझे कभी नहीं देख पाओगी माया दीदी। ऐसा मत बोल बेटा, तूने बहुत ज्यादा ज्यादा पी ली, इसलिए ऐसा हुआ होगा। हे भगवान, करो। तुम फिक्र मत करो, शायद थोड़ी देर के बाद देवा विजिबल बन जाएगा, नहीं तो हम साइंटिस्ट शेखर के लैब में जाके पता लगा लेंगे कि वो कब आएंगे। मदद के लिए कौशिक को भी ले लेंगे। नहीं, ये सब उसी की वजह से हुआ है। अरे केके साहब, अचानक क्या? तुम्हारे घर आने से पहले नोटिस देना होगा मुझे। नमस्ते जी, आप कैसी हैं सरस्वती जी? आप 100 साल तक जिएंगे, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? पिछले 4 महीनों से पगार नहीं मिली है। मैं तो दे रहा हूँ लेकिन घर तक नहीं पहुँचा होगा। बहुत देर है, सुना है कि आपका चैनल बंद होने वाला है, क्या ये सच है? सुबह सुबह झटका देने वाली खबर मत सुनाइए, इसे भगने की आदत है, आप अंदर आइए। छोड़ना, बैठे साहब। थैंक यू। अरे कौशिक, तुम्हें तो पगार नहीं मिल रहा है, फिर भी तुम्हारे ससुराल में तो पैसों की ढेर है ना। मेरा एक बहुत जरूरी काम है, मुझे कोई 25,000 रुपयों की जरूरत है, बहुत जरूरी है।
हमें शर्मिंदा मत कीजिए शर्मा जी, मैं अपने मायके से लाके गुजारा कर रही हूँ। मेरी हालत जानकर भी मुझसे 25,000 रुपए मांगने का आपका मन कैसे किया साहब? इस तरह बहाना मत करो प्लीज, तुम खानदानी अमीर हो इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम जरूर कर सकते हो। हाथ में पैसा होता तो मैं झूठ थोड़े ही बोलूंगा, घर का कोना कोना छान मारूंगा तो मुश्किल से 3,000 रुपए मिलेंगे। 3,000 तो 3,000, फिलहाल काम चला लूंगा, जाओ लेकर आ जाओ। दे देंगे ना साहब, तो अच्छे आदमी। बीच बीच में मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है, कल भी ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा था ना किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर से गिरेंगे तो चलेंगे। आओ देवा जी, तुम ही ने उसे गिराया ना, जाओ उसके साथ जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि वो पैसों को सुनते हुए यहाँ तक आ गया। असल के साथ 10 का ब्याज ले लेना, मैंने बोल दिया। और नहीं तो क्या, कितनी मुश्किल से ये रुपये मिले हैं, भगवान करे मंत्री लोग हमेशा इसी तरह की कोई ना कोई हरकत करें। मेरी माया दीदी के साथ धोखा करके कमाया हुआ पैसा है ये। 3, 4, 5 ये लीजिए साहब। मदद करने का मन होना चाहिए, तुम्हारा कितना बड़ा मन है अब मैं पहचान गया हूँ। शर्मिंदा मत कीजिए, दूसरों को तकलीफ में देखकर मेरा मन पिघल जाता है ना सुशीला। तो फिर मैं जाऊँ कौशिक, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा, तुम भी कभी नहीं भूलोगे। चलो सरस्वती जी। बेचारा तीन हजार रूपए नहीं देना था, 2,000 देके भगाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। इसे किसने खोला? सुशीला, सुशीला बैग आ गया। क्या हुआ? अरे सुनो, पैसा चला गया, ये उसी ने लिया होगा, वो रवि शर्मा। लेकिन रवि शर्मा जी ऊपर इस कमरे में तो आए नहीं थे, ये जरूर किसी चोर का काम है। तो फौरन पुलिस को बुलाओ। पुलिस पूछेगी इतने पैसे कहाँ से आए तो हम क्या जवाब देंगे? मेरा पैसा। पैसों के लिए धन्यवाद अजूबा। माय गॉड, ये ताज्जुब की बात है, दवाई पीके इनविजिबल हो गया। आई कांट बिलीव इट। जी हाँ मैडम, मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, वो दिखाई नहीं देता पर हम उसे छू सकते हैं मैडम। अब उसे बहुत तेज बुखार है, उसकी तकलीफ मुझसे सही नहीं जाती। ऐसी हालत में पता नहीं डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेंगे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। साइंटिस्ट शेखर को किसी भी तरह कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कीजिए मैडम प्लीज। आप कोशिश करें तो उनका न्यूयॉर्क का नंबर मिलने की उम्मीद है। मैं कल शाम से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ पर लाइन नहीं मिल रही थी। मैं शहर से बाहर गई हुई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। माया दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माया दीदी, थोड़ा सा पानी दो ना। मैं यहाँ हूँ। अरे ये तो मेरी नाक है, मुंह यहाँ है। तू आराम कर देगा, नहीं तो बुखार बढ़ जाएगा। माया दीदी, रानी पप्पू रामू भैया को देखने का बहुत मन कर रहा है। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे बेटे, शर्मा जी उन्हें लाने के लिए गए हुए हैं। वो आ भी जाए तो भी मुझे देख नहीं पाएंगे ना, अपनी रानी मुझे पप्पी कैसे दे पाएगी? मैं क्या मर जाऊंगा माया दीदी? अगर मैं मर गया तो मुझे कोई नहीं देख पाएगा ना? तू ऐसा मत बोल, मुझे कुछ नहीं होगा। अंकल देवा कहाँ है? अंदर है, चलो दिखाता हूँ। कैसी है रानी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, मुझे देवा भैया से मिलना। चलो आओ आ जाओ। क्या सब लोग आ गए माया दीदी? हाँ, सब आ गए देवा। मेरा देवा भैया कहाँ है दीदी? ये देखो यहाँ है देवा भैया। देखो मैं यहाँ हूँ रानी। तुम दिखाई नहीं दे रहे। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ देवा भैया।
माया दीदी, देवा भैया क्यों नहीं दिख रहा है? तू कहाँ है बेटा? देवा, देवा भैया। हाँ पप्पू। आंख की चोली बंद करके सामने आ देवा भैया। मुझे पप्पी तो रानी, देखो मेरा चेहरा यहाँ है। तेरा देवा भैया है वो, क्योंकि देख अब हम देवा को देख नहीं सकते। बेटा देवा, तू अपने रामू भैया को देख पाता है? मैं तुम्हें देख रहा हूँ रामू भैया। आइए डॉक्टर जी। मैडम, बहुत मुश्किल से दिल्ली से नेशनल साइंस एकेडमी से मुझे शेखर का नंबर मिला है। किस्मत से उनसे बात भी हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा? दरअसल ये बात सुन के वो चौंक गए, पर फिर उनकी बेटी का एक्सीडेंट ज्यादा सीरियस नहीं है इसलिए फौरन निकल कर आएंगे कहा। देवा के बुखार के बारे में उनसे कह दिया मैडम? हाँ कह दी, इसलिए तो डॉक्टर प्रकाश को साथ लाई हूँ। डॉक्टर प्रकाश ने शेखर से बात भी कर ली है। घबराने की कोई बात नहीं, इनविजिबल बॉडी है, फिर भी आम लोगों को देने वाली दवा इस पर असर करेगी, साइंटिस्ट शेखर सक्सेना ने कहा है। बट इंजेक्शन के निडल जैसे किसी भी मेटल पार्ट से बदन में एक भी स्क्रैच नहीं आना चाहिए। वो क्यों? किसी रिएक्शन की संभावना है। बच्चा कहाँ है? आइए डॉक्टर। देवा बेड में है डॉक्टर। डॉक्टर अंकल, आप मुझे नहीं देख सकते। It's unbelievable. Yes, certainly. मैं अब क्या करूंगी मैडम? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बेटे तुम्हारा चेस्ट कहाँ है? यहाँ है अंकल। और तुम्हारा सर? लीजिए यहाँ पर। तेज बुखार है, मुझे लगता है वायरल फीवर है। पेशेंट को देखे बिना इलाज कर रहा हूँ। कोई मेरे साथ क्लिनिक आ जाए तो मैं दवा दे दूंगा। मैं आऊंगा डॉक्टर। डॉक्टर जी, मेरी बात याद है ना आपको? काफी कॉम्प्लिकेशंस है इसमें, फिलहाल ये बात बाहर न जाए। नो नेवर, अगर बोलूंगा भी तो कोई मानेगा भी नहीं। कोई माने या ना माने, मैंने जो बोला वही सच है। दो दिन से मैंने टीवी ऑन नहीं किया, सोचते ही डर जाता हूँ मैं। कब वो नजारा टीवी में आएगा ये सोच सोच के मेरे बीपी की दवा डबल डोज हो गई है। अबे ओए कमिश्नर की छट्टी औलाद, तूने उसे पल भर में उठाऊंगा कहा था, अब क्या हुआ? सुनिए मंत्री जी, अगर आप में से कोई मुझे बता दे कि वो कहाँ छुपी हुई है तो मैं उसे उसी पल उठा लूंगा। लो यहाँ छुपी है, उठा लो। पता है मेरे घर में तुम मेहमान की तरह आए हो इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो जानते हो तेरे गाल पे कस के दो चांटे मार दिया होता। अरे इस शहर में एक मामूली सी लौंडिया को पकड़ नहीं सकते तो जाके लोगों की हजामत करना शुरू कर दो। सिर्फ मुझ पर इल्जाम लगाने से क्या फायदा? आप लोगों ने दुबई से एक प्रोफेशनल किलर को बुलाया था ना, हसन मुस्तफा? तंदूरी चिकन और कबाब खा के शहर घूमने के सिवा उसने क्या उखाड़ा है अब तक? आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है उसकी हिफाजत करने वाली कलेक्टर की बच्ची है, अनीता वर्मा। रोहित की जमानत की अर्जी कल अदालत में सुनवाई के लिए आ रही है, उसके पीछे भी इस कलेक्टर का ही हाथ है। भूल गया, वो भी तो अलग झमेला है। आप लोगों को उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जिंदगी में कभी वो बाहर ना निकले इस तरह के पक्के सबूत इकट्ठे किए हैं हम लोगों ने। ऊपर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपना ही बंदा है। फिर भी चौकन्ना रहना होगा, अगर उसे जमानत मिली तो हमारे लिए खतरा है। उसका जिंदा रहना ही हमारे लिए खतरा है, यही मेरी राय है। कल की सुनवाई पूरी होने दीजिए, आगे कभी उसे तारीख नहीं मिलेगी। जेल में ही उसे टपकाने का इंतजाम करूंगा मैं। हाँ अच्छी योजना है, लेकिन कल उसे जमानत मिलेगी ये सोचकर तुम लोग फिक्र मत करना। पूछो क्यों? सेशन जज चमन मिश्रा है इसीलिए। अरे बिल्कुल, सबूतों को नजरअंदाज करके वो कभी कुछ करता है बोलो। हे भगवान, ये तुम क्या बोल रहे हो यादव? तुम सेशन जज चमन मिश्रा से बात कर रहे हो ये मत भूलो। अरे जमीन की नाजायज कीमत वसूल करोगे तो तुम्हें अंदर करने की कानून में दफाए हैं, इतना समझ लेना।
अरे अगर 50 लाख में जमीन मिल रही है तो मैं नहीं खरीदूंगा। अभी फोन रख दो, मैं बाद में बात करूंगा। नमस्ते जी। मैं न्यू इंडिया टेलीविजन का MD हूँ, रवि शर्मा। रवि शर्मा बी ऑनर्स। ओ तो मीडिया वाले हो जी। बैठो। मैं मीडिया वालों से दूर रहता हूँ। मैंने आपकी इतनी तारीफ सुनी है कि पूछे मत, इसलिए आपके पास एक विनती लेके आया हूँ। विनती शिकायत सब अदालत में, मैं घर में कुछ नहीं सुनता। एक ईमानदार आदमी दूसरे ईमानदार आदमी से कहने वाली बहुत ही अहम बात है ये, इसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। क्या बात है बोलो। पिछले 3.5 साल से बिना जमानत के जेल में पड़े रोहित नाम के एक नौजवान की जमानत की सुनवाई आज आपकी अदालत में होने वाली है। जानता हूँ। रोहित बेकसूर है, 101% बेकसूर है। पूरी हकीकत वैसे आप भी जानते हैं। एक ईमानदार आदमी होने के नाते आपको सच्चाई का साथ देना होगा। खड़े हो जाओ। सेशन जज चमन मिश्रा को ईमानदारी सिखाने के लिए तुम यहाँ आए हो? मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वाऊंगा। आप मुझे फांसी पर चढ़ाइए, मगर चाहे 1000 मुजरिम भी कानून से बच जाएं, लेकिन एक भी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे भारतीय संविधान के अहम बातों का आपकी वजह से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। मैं भगवान कार्तिक को ध्यान में रखकर ही कोई भी फैसला करता हूँ, इसलिए आज तक मुझे कोई भूल नहीं हुई। अभी तुम यहाँ से जाते हो या गिरफ्तार करवाऊं? मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं भी भगवान कार्तिक का भक्त हूँ। इस मामले में अगर आपने कानून के खिलाफ कोई खेल खेला तो भगवान कार्तिक आपको सजा देगा, देख लीजिएगा। हे भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर हुई है तो बोलो, मैं कोई भी प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। चमन मिश्रा। भगवान, मैं ही हूँ चमन मिश्रा। बाल कार्तिक। मेरे बाल कार्तिक, ये सब ठीक नहीं है चमन मिश्रा। हे भगवान। अरे आप तो बड़े नामी। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने से कोई फायदा नहीं है। कुछ कमाई करनी हो तो ऐसे केस मिलने चाहिए। मंत्री यूनुस भाई और परमार जैसे लोग नहीं होते तो मैं तो बर्बाद हो गया होता। आपको भी तो अच्छा माल मिल रहा होगा ना। रोहित शर्मा वल परमेश्वर शर्मा, रोहित शर्मा वल परमेश्वर शर्मा, रोहित शर्मा वल परमेश्वर शर्मा हाजिर हो। यस प्रोसीड। योर ऑनर, भारतीय संविधान और इंडियन पैनल कोर्ट का साफ साफ उल्लंघन करने की मिसाल है मेरे मुवक्किल के साथ यहाँ की सरकार और कानून के रखवाले जो सुलूक कर रहे हैं। अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए अदालत में सुनवाई का मौका दिए बिना इस नौजवान को सलाखों के पीछे डालने में पूरा हाथ इस राज्य को चलाने वाली सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का है। ये खबर अक्सर अखबार में छपती है, ये मैं अदालत को बताना चाहता हूँ। मेरा मुवक्किल एक उभरता हुआ पत्रकार था जो एक कत्ल का चश्मदीद गवाह बन गया। इस पत्रकार की आवाज अदालत में गूंज पॉजिटिव निकलने की उम्मीद है ना? इन दलीलों से कुछ नहीं होगा, इसलिए पॉजिटिव होना है तो बाल कार्तिक का आशीर्वाद चाहिए। लिहाजा मेरे बेकसूर मुवक्किल को जमानत पर छुड़ाने की मैं इस अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। मैं यही पर हूँ चमन मिश्रा। योर ऑनर, मेरे दोस्त डिफेंस लॉयर की हर बात बेबुनियाद है। सिर्फ 3.5 साल नहीं, इसके जैसे खतरनाक कातिल लुटेरे इससे भी ज्यादा साल तक बिना सुनवाई के बिना जमानत के जेल में पड़े हैं, ऐसी कई मिसालें हमारे सामने हैं। उनका कहना है कि मुलजिम के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इसका जवाब मेरे हाथ ये फाइल देगी। पूरे हिंदुस्तान के जाने माने फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव ने क्या झूठ मूठ बनाई है? मुलजिम के फिंगरप्रिंट से मेल खाने वाली ये रिपोर्ट, मरने वाली लड़की के गले से मिले फिंगरप्रिंट्स को क्या ठोस सबूत करार नहीं दे सकते योर ऑनर? राज्य के सबसे ईमानदार कहलाने वाले विजिलेंस DGP मिस्टर आदित्य साहनी ने बेवजह बनाए हैं मुलजिम के आतंकवादियों के साथ संबंध रखने वाले ये सबूत, सांप्रदायिक आतंकवादियों से लाखों का लेन देन का सबूत, मालेगांव बॉम्ब विस्फोट में शामिल होने के सबूत, ये सब कुछ इस फाइल में है योर ऑनर। हाँ।
दिन के उजाले की तरह साफ दिखने वाले इन सबूतों के मुताबिक और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत यहाँ कटघरे में खड़े इस आतंकवादी को कभी जमानत ना दी जाए, यही मेरी इस अदालत से गुजारिश है। बाल काटने का काम होगा योर ऑनर, दुनिया के किसी भी जज ने इस तरह सरकारी वकील पर हथौड़ा नहीं महका होगा, आखिर मेरा कसूर क्या है योर ऑनर? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये काम मैंने नहीं किया। भगवान, ये सब क्या हो रहा है? डर है चमन मिश्रा, अदालत में झूठ बोलना गुनाह है। मतलब उसने जो कुछ भी कहा वो झूठ है? जैसे कि आप नहीं जानते। जानता हूँ, हथौड़े की मार की कोई बात नहीं योर ऑनर, बस उसे जमानत मत दीजिएगा। उस फाइल में जो सबूत है उनके मुताबिक एक आध शताब्दी तक उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए योर ऑनर। मिस्टर प्रोसिक्यूटर सर, यही तुम्हारी एविडेंस है? हाँ सर, अपने सिटी पुलिस कमिश्नर के जैसे होनहार अफसरों की काबिलियत की निशानी है वो सबूत। तो फिर सुन लो, जहीदा नाम की लड़की को कुवैत नासर ने और उसके गुंडे जानी ने मिलकर मारा है। मुजरिम जॉनी की फिंगरप्रिंट वाली असली फॉरेंसिक रिपोर्ट 10 लाख रुपए रिश्वत डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव को देकर बदल दी गई है। माया के घर में पलने वाली रानी नाम की 3.5 साल की लड़की मंत्री यूनस खान की बेटी है, इसकी डीएनए रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में सबमिट कर दी गई है। रोहित का सांप्रदायिक तत्वों के साथ ताल्लुक है और बम विस्फोट में इसके हाथ है। इसके सबूत बनाने के लिए 5-5 लाख रुपए पुलिस कमिश्नर को, विजिलेंस डीजीपी को और पब्लिक प्रोसिक्यूटर को रिश्वत के तौर पे देने के सबूत इसके साथ पेश कर रहा हूँ। बाकी का मत पढ़ना, आपकी पोल खुल जाएगी। खुद पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दिए इन सबूतों के तहत और रोहित के बयान के मुताबिक इस केस की दोबारा तहकीकात करने और रोहित को जमानत देने का ये अदालत हुक्म देती है। Thank you.
सुनो, मैं अपने रिश्ते तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो माया दीदी मुझे जिंदा काट देगी। अब और क्या समस्याओं की जरूरत है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब मुझसे भी ज्यादा तुम उनके लिए खतरा बन गए हो, इसीलिए तुम्हें बाहर निकलने के लिए अनिता मैडम ने मना किया था। तुम्हारे बयान की वजह से केस की दोबारा तहकीकात हुई तो नासर जरूर फांसी पर लटकेगा, इसीलिए वो कुछ भी करने से नहीं चुकेंगे। सोचा एक बार तुमसे मिलकर जाऊंगा। तुम्हें बाहर घूमने के लिए मैंने मना किया था ना? माया से मिला, अब माँ और बहन से भी मिलके मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा। वो जरूरी है? जमानत की खबर सभी अखबार में आई थी ना, अब भी नहीं गया तो वहाँ परेशान हो जाएगी। ठीक है, पर चौकन्ने रहना, उनसे मिलने के बाद जहाँ पर मैंने कहा था वहीं पहुँच जाना। सुबह तुम्हारा बयान लेने एसीपी टंडन और क्राइम ब्रांच एसपी वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है मैडम। साढ़े छह बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम है, सबको चौंकाते हुए तुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक आओगी। ओके, काश वो मेमोरी कार्ड भी मिल जाता तो। अब इसके बारे में बात करके क्या फायदा, जो कुछ भी हुआ वो मीडिया वालों को तुम बता देना, आखिर तुम भी उन लोगों में से एक हो। उस मिनिस्टर का आज का दिन आखिरी दिन होना चाहिए। शेखर सर की फ्लाइट कितने बजे आ रही है मैडम? 5 बजे की, वो तो अब तक लैंडिंग हो चुकी होगी, रवि शर्मा उन्हें लेके यहाँ पहुँच जाएंगे। ये कौन सी जगह है, यहाँ मुझे क्यों लाया गया है? तू कल सुबह क्राइम ब्रांच एसपी को बयान देने वाला है ना? बोल साले कुत्ते, तू कल क्या क्या क्राइम वालों के सामने उगलने वाला है? मुझे मार के तुम बच सकते हो ये कभी मत सोचना, बहुत जल्दी तुम्हारा पर्दा दुनिया के सामने फांस हो जाए। चाहे जितनी भी अदालतें तुम खरीदो, लेकिन भगवान की अदालत में तुम्हारा फैसला हो। आइए सर। दिस इज वंडरफुल, ऐसा एक चमत्कार मैं सिर्फ सपनों में देखा करता था। अब तुम्हें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे मुझे नहीं देख सकते उनको प्रॉब्लम है। मुझे जल्दी से विजिबल कर दीजिए ना अंकल। तुमने मेरी लैब में जाके वो दवा कितनी पी थी? दूसरे बार मैंने छोटे वाले ग्लास से बहुत सारा पी लिया ताकि ज्यादा देर तक इनविजिबल रहूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो फिर से हम सबको दिखेगा ना सर? मैं देवा को जल्दी देख पाऊंगी ना सर? डोंट वरी, सुबह होने से पहले मैं इसे विजिबल बना दूंगा। अब हम सब मेरी लैब में जाएंगे। तुम्हारी जेब में क्या है? क्या है मेरी जेब में? ए माया दीदी, ये मेमोरी कार्ड तो मेरी जेब में ही था। अरे हाँ, उस दिन मेरे सिर पर सूखे पत्ते गिरे थे, तब ये जेब में गिर गया होगा। माई गॉड, शेखर साहब किस्मत को साथ लेकर आए हैं। न सिर्फ देवा को देख सकेंगे बल्कि एक जर्नलिस्ट होने के नाते माया अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानने वाला वो मेमोरी कार्ड भी मिल गया। ये मेमोरी कार्ड इतना इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? इस कार्ड की वजह से ही ये सारी समस्या शुरू हुई थी। इसमें जो विजुअल्स हैं उसको अगर टेलीकास्ट किए तो उसी पल इस राज्य की सरकार ठप हो जाएगी, इस देश की राजनीति में तहलका मच जाएगा।
लो, वो मेमोरी कार्ड मुझे दे। कौन सा कार्ड? वही जो तेरे जेब में है। मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। अरे चुप चुप। देना बे। अबे निकाल। युगो क्यों वो कमीने? पर किसी मेटल का स्क्रैच भी नहीं पड़ना चाहिए, ये गोली लगने का रिएक्शन हो सकता है। देवा Oh,
लगता है वो दूसरी तरफ चला गया। हम मस्जिद की गाड़ी में वहां आ जाए। सर आपको वहीं पर रहना बेहतर होगा, आप बाहर मत निकलिए, मैं वहीं पर आता हूँ। ठीक है चलो। पीछे ले जाने के लिए बोलो। आपने देखा नहीं सर, 5-6 किलोमीटर तक तो ट्रैफिक जाम है, हम गाड़ी कैसे पीछे ले जाएंगे? ये सब तो हम लोगों को खा जाएगा। जय महाकालेश्वर। अरे बाप रे क्या चमत्कार है, ये क्या रामलीला के रावण का पुतला है? अरे मंत्री जी क्या ये कोई रामलीला है? अरे पहाड़ में जय रामलीला, यही वो अजूबा है जो हम दोनों की जान के पीछे पड़ा हुआ है। कौन ये? मंत्री नील खान को जान से मारने वाला था, 4-5 लोगों की जान ले चुका है ये। अरे बाप रे। मंत्री जी उसकी नजर तो आप पर है, जल्दी यहाँ से बच के निकलिए। अच्छा ठीक है, गाड़ी निकालो। कहाँ निकालो? अरे कहीं भी ले जाओ। अरे लोगों को हटाओ, पुलिस हटाओ, जल्दी हटाओ। अरे अरे हटाओ, हटाओ। अरे आंखें बंद करके गाड़ी तेज चलाओ, किसी को ठोक भी दिया तो मैं हूं ना। रोक क्यों जी? उधर जाइए मंत्री जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, घर जाके अपनी बीवी बच्चों को एक बार देखना चाहता हूँ। अब डरने की कोई बात नहीं है, लगता है अजूबा चला गया। चला गया? अब जान में जाना जी। आपको नहीं पता मेरी तो हालत खराब थी, जान बची लाखों पाई, यहाँ से जाने दीजिए मुझे, ऐसे किसी को मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। हाँ मैंने भी नहीं देखा, गनीमत है वो चला गया। तो मंत्री जी आप घर जाइए, मैं भी घर जा रहा हूँ। अरे सुनो तुम मुझे बाजार के नाके तक छोड़ दो ना। अरे नहीं, पेट्रोल का पैसा दूंगा। तुमको साथ ले जाना, खतरे से खाली नहीं है। अरे गाड़ी से ले ले। अरे कहाँ से? मुझे बचाओ कालेश्वर। अरे ये हमें कहाँ ले जा रहा है? अरे अरे अरे
अरे ये हमें कहाँ लेके जा रहा है? लगता है सर की और। अरे मंत्री जी ये कितने वोट के हैं आप बता सकते हैं क्या? 440 या 880? मैं गणित में कमजोर हूँ। भगवान हमारी पुकार सुन ले। जय महाकालेश्वर बचा ले। अरे उससे पहले मेरा पैसा उठा लिया, मेरे जान उठाने में लगा हुआ है। अरे हिला क्यों रहा गाड़ी? मैं कहाँ हिला रहा हूँ? अरे कोई आगे बचाओ। अरे सीएम साहब हम एक अपार्टमेंट में छुप गए हैं। एनएसजी या मिलिट्री को बुला के एक पल भी गवाए बिना उस हैवान को मार गिराना होगा। हाँ जी अच्छा, लेकिन ये साला कमिश्नर कहाँ मर गया? अरे घबराइए मत भाईजान, आप हमारे घर में बिल्कुल महसूस रहेंगे। चलो चलो। अरे मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है। अभी चलो ना, क्या करें। यस सर, पुलिस फोर्स आ गई है सर। सर लेकिन फायरिंग करने से वो ज्यादा वायलेंट हो सकता है। जी हाँ सर। मैडम क्या अपना देवा नॉर्मल हो जाएगा? मैडम ये सब मिलके उसे मार डालेंगे। नहीं माया, उसे कोई नहीं मारेगा। डॉक्टर शेखर ने कहा था कि उसे नॉर्मल करना मुमकिन है। अरे जल्दी करो। मारो मत, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। अरे कोई गोली मारो। इतनी देर होने के बाद एक मंत्री को बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं है? अरे कोई नहीं है क्या? कोई तो आओ। जल्दी आ जाओ। हटो। हे भगवान, यहाँ कौन कौन मरे पड़े? अब मैं अपना दुखड़ा किसे सुनाऊंगा? मैं तो अनाथ हो गया। हे भगवान क्या सुनने में आया कि मौत सर पे मंडराती है, लेकिन ये यहाँ नीचे मंडरा रही है। शेखर सर, पागलों की तरह लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अभी अंदर जाना ठीक नहीं होगा। सर साइंटिस्ट शेखर सक्सेना से मिल सकते हैं? प्लीज उन्हें परेशान मत कीजिए, किसी से भी मिलने के मूड में नहीं है वो। सर, मैं इस वक्त डॉक्टर शेखर के लैब में हूँ। सर सुबह होने तक हम इंतजार करेंगे। प्लीज सर। कौन? चीफ मिनिस्टर थे, अब किसी और के जान ले इसे पहले फायरिंग ऑर्डर देने को बोल रहे हैं। Yeah.
I'm helpless. मैं अपने देवा को बचा नहीं पाऊंगा. उसे बचाने का रास्ता भगवान ने मुझे नहीं दिखाया. Really, I'm helpless. भगवान, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भगवान. चलो माया, हम लोग चलते हैं. नहीं, मेरे देवा के आने के बाद ही मैं आऊंगी.